चुनावी प्रक्रिया लोकतांत्रिक व्यवस्था की रीढ़ होती है, क्योंकि लोकतंत्र का मतलब है लोगों की राय और पसंद के आधार पर प्रतिनिधियों का चुनाव करना और उन्हें संसद में भेजना। ये पहला चरण है जिसके बिना विधायी और संस्थागतकरण प्रक्रिया पूरी नहीं की जा सकती। अगर लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोगों को किसी भी कारण से अपने वोट देने के अधिकार का प्रयोग करने का अवसर नहीं दिया जाता तो इससे लोकतंत्र कमजोर हो जाता है और लोगों का चुने हुए के बजाय चुने गए प्रतिनिधियों पर से यकीन पूरी तरह से खत्म हो जाता है। भारत में खासतौर से राजनीतिक नेताओं का अपने निर्वाचन क्षेत्र के मतदाताओं के प्रति व्यवहार अक्सर अमानवीय होता है। जब राजनीतिक नेता अपने मतदाताओं द्वारा चुने जाते हैं तो वो उनके साथ इसी तरह बर्ताव करते हैं। चिंता की बात यह है कि ऐसे प्रतिनिधि अपने क्षेत्र की जनता को कितना ध्यान में रखेंगे या उन्हें विचार के योग्य समझेंगे और उनकी समस्याओं के समाधान में गंभीरता दिखाएंगे। इसके अलावा दूसरा पहलू चयन की प्रक्रिया और मतदान के अधिकार से जुड़ा है। जब चुनाव प्रक्रिया आयोजित की जाती है तो न केवल जीतने वाले उम्मीदवार चुने जाते हैं बल्कि विपक्षी उम्मीदवार को भी वोटों के रूप में अच्छी खासी संख्या में समर्थन मिलता है। एक सफल और संतुलित लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए ये बहुत जरूरी भी है, क्योंकि एक सफल लोकतंत्र की परिकल्पना एक मजबूत विपक्ष के बगैर असंभव है। लेकिन सवाल ये है कि जो सूरत और इंदौर में हुआ उससे लोकतंत्र मजबूत होगा या फिर इसे कुछ व्यवस्था को अंदर से खोखला कर इसकी बेजान संरचना को सिर्फ सजावट के तौर पर छोड़ देने की प्रक्रिया कही जाएगी। सूरत में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार नीलेश कुंभानी के नामांकन पत्र को जिला निर्वाचन अधिकारी ने 3 प्रस्तावों के तौर पर खारिज कर दिया। उन्होंने शिकायत दर्ज कराई कि फॉर्म पर दिए गए उनके हस्ताक्षर उनके नहीं हैं। इसके बाद मैदान में भाजपा प्रत्याशी मुकेश दलाल और निर्दलीय प्रत्याशी भी बचे थे। इसके बाद निर्दलीय उम्मीदवारों ने अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली और इस तरह भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के अलावा कोई नहीं बचा, उन्हें विजेता घोषित कर दिया गया। यही इंदौर में भी हुआ जहां कांग्रेस उम्मीदवार अक्षय कांति बम ने अपना नामांकन पत्र वापस ले लिया। बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय के ट्वीट के बाद अक्षय कांति बम को भारतीय जनता पार्टी में शामिल कर लिया गया। वर्गीय ने अक्षय कांति बम के साथ एक तस्वीर साझा की और पार्टी में उनका स्वागत किया। इन दोनों निर्वाचन क्षेत्रों में जो कुछ हुआ वो पूरी तरह से लोकतांत्रिक मानदंडों और प्रक्रियाओं के खिलाफ है। ऐसी घटनाओं से नामांकन और चयन की पूरी प्रक्रिया पर शक पैदा होता है। ऐसी घटनाओं से ये साफ है कि पूरी चुनाव की प्रक्रिया से जनता का भरोसा उठ जाएगा और ये दोनों ही स्थितियां लोकतंत्र की भावना के लिए बहुत ही हानिकारक होंगी। इसे लेकर जितनी चिंता विपक्षी दलों के अंदर होनी चाहिए उतनी ही चिंता सत्ता पक्ष के अंदर भी होनी चाहिए। पिछले सभी चुनावों की तरह 2024 का चुनाव भी देश भर में सभी राजनीतिक दल पूरे जोश और उत्साह के साथ लड़ रहे हैं और उम्मीद है कि सूरत और इंदौर की घटनाएं एक मिसाल बनेंगी। लेकिन ये चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि वो पूरी तरह से जांच करे और पता लगाए कि इन दोनों निर्वाचन क्षेत्रों में उम्मीदवारों ने अपना नामांकन वापस क्यों लिया। ऐसा करना इसलिए भी जरूरी है ताकि मतदाताओं के दिल दिमाग में उपजे संदेह को दूर किया जा सके और नामांकन और चयन की प्रक्रिया की शुद्धता बहाल की जा सके। लेकिन अगर ऐसा नहीं है बल्कि इसके पीछे कोई योजना है या धोखाधड़ी का जाल फैलाकर ऐसे नतीजे हासिल किए जा रहे हैं तो ये खतरे की घंटी है। अगर समय रहते नहीं रोका गया और चुनाव आयोग अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने में नाकाम हुआ तो इससे संवैधानिक लोकतंत्र को बहुत नुकसान होगा। एक दशक से चली आ रही अराजकता के कारण देश के केंद्र में सत्तारूढ़ दल ने विपक्ष को खत्म करने या अक्षम बनाने के लिए हथकंडे अपनाए हैं। उससे ये भी संदेह पैदा होता है कि ये सब एक बड़ी योजना का हिस्सा है। पिछले एक दशक में जिस तरह से इस देश की सभी अहम संस्थाओं को धीरे धीरे कमजोर किया गया उससे महत्वपूर्ण संस्थाओं की निष्पक्षता पर शक पैदा होता है। अगर मामला केवल सूरत तक ही सीमित रहता और इंदौर और कन्नौज को सूची में नहीं जोड़ा गया होता तो शायद ये समझा जाता कि ये संयोगवश हुआ, लेकिन अब ये एक चलन बन गया है।
दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की सेहत के लिए अच्छा संकेत नहीं है। दुख की बात यह है कि दुनिया भर में लोकतांत्रिक व्यवस्था के स्वास्थ्य पर अपने शोध प्रस्तुत करने वाली संस्थाएं पहले ही कह चुकी हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तहत भारत का लोकतंत्र बेहद कमजोर हो गया है। अब चुनाव आयोग पर ये जिम्मेदारी है कि वो अपने कार्यों से ये साबित करे कि भारत में लोकतंत्र को कोई खतरा नहीं है, लेकिन अभी तक चुनाव आयोग की भूमिका इस मोर्चे पर नजर नहीं आ रही है।